आज देश की अर्थव्यवस्था को जो रफ्तार मिल रही है उसमें एक बड़ा हाथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का है और इस इंडस्ट्री में कई लोग काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर भाई काम करते हैं और उन जैसे और भी स्टेक होल्डर्स काम करते हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उन्हें कौन सी समस्याएं आती हैं और अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारे बीच है शबीर भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो शबीर भाई, ये बताइए कि आप कितने सालों से इस लाइन पे काम कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं? 15 साल से काम कर रहे हैं शबीर भाई। तो शबीर भाई, आपको क्या लगता है कि इस लाइन में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स तो बहुत है सर। अभी सोचिए, अभी हम लोग आउट ऑफ जाएंगे तो 10-15 दिन लग जाएगा और उधर हमारे लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं रहेगा, मेन दिक्कत होता है। ठीक है, अभी हमारा गाड़ी हाल्ट होता है, जाके लोड होकर अनलोड होकर आने के बाद गाड़ी हाल्ट होता है तो उधर मेन पार्किंग के लिए जगह नहीं रहता है। ठीक है, वो दिक्कत है। और हमारे को उधर वॉशरूम करने के लिए वो भी दिक्कत रहता है। अभी किधर भी जाओ, बाई चांस लोड गाड़ी पे रह गया, किधर भी वॉशरूम करना है, हम लोग रेस्ट लेना है जी, तब किधर भी हम रोड पे पार्किंग किया तो चोर वगैरह आता है। ओहो, चोर वगैरह आके चुरा लेता है तो आगे वो जो चोर वगैरह चुरा के जाता है उसका जो पैसा हम ही भरना पड़ता है, तो ऐसा दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और वो हम लोग कमाएंगे 1 रुपये में, 75% उधर ही खर्च हो जाता है, 4 आने बसता है हमारे को। अभी वो 4 आने में लगा के हमारे फैमिली को किधर ज़िंदगी को दिक्कत होता है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए दिक्कत होता है। बिल्कुल, तो इसलिए एक गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है मेरी, तो हमारे लिए हम लोग कोई भी ड्राइवर बाहर जाता है तो जी, उसके पार्किंग के लिए दिक्कत होना है, पार्किंग के लिए एक व्यवस्था होना है। ठीक है, और वॉशरूम के लिए एक व्यवस्था होना है, उसको ड्राइवर को नहाने के लिए रेस्ट लेने के लिए एक सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ऐसा व्यवस्था करके देना पड़ता है। और बाई चांस चोरी भी होता है तो आइटम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उसका प्रोसीजर बहुत लंबा खींचता है जी, तो हम लोग उसका 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन हो जाएगा तो कस्टमर आगे वाला हमारे लिए दिक्कत करता है, हमारे को गेस बुक कर देता है, आप लोगों को रुकना पड़ जाता है। हाँ, रुकना पड़ जाता है और आगे के कस्टमर जो भी पुलिस के हमारे ऊपर ही कर देता है तो उसका भरपाई भी हम ही देना पड़ता है। तो हम लोग कमाएंगे किधर, हमारे फैमिली को पालेंगे किधर, बच्चों को पढ़ाएंगे किधर, तो ट्रांसपोर्ट हम लोग 10 दिन 15 दिन छोड़ के घर छोड़ के जाते हैं तो हमारे को कमाते कुछ नहीं, बहुत दिक्कत होता है। अभी तो डीजल का रेट बहुत बढ़ रहा है, 85 रुपीज़ 86 रुपीज़ कर्नाटक में, बाहर देश में 89-90 हो गया है, तो डीजल का भी बहुत महंगा हो गया है और पुलिस वाले का तो भी बहुत दिक्कत हो रहा है, किधर पार्किंग कराए तो 1000, पहले जो था 100 रुपीज़ था, ठीक है, अभी तो 1000 रुपया कर दिया फाइन जी, 10 गुना हो चुका है। हाँ, 10 गुना बढ़ चुका है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत गवर्नमेंट से बहुत ये हमारे को हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट हमारे को कर नहीं पा रही है, तो ट्रांसपोर्ट से बहुत कुछ फाइन वगैरह ले रहा है, ओवर टेनेज डाले तो उसका फाइन ले रहा है। ठीक है, तो हमारे को जितना गाड़ी टेनेज आरटीओ टेनेज होता है उतना डाले तो हमारे को उतना लांग जाएगा तो बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसी कौन सी चीज़ इसके अलावा, लोड के अलावा, जो आप गवर्नमेंट से चाहते हैं? गवर्नमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ड्राइवर ऑल इंडिया हर ड्राइवर के लिए उसके एक जब भी एक्सीडेंट हो के मर जाएगा उसके ऊपर एक इंश्योरेंस गवर्नमेंट से होना पड़ता है, गवर्नमेंट से होना चाहिए। और उसके साथ साथ हर ड्राइवर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए बहुत कम फीस करके देना पड़ता है। अच्छा, तो रियायत होनी चाहिए पढ़ाई में बच्चों? हाँ, बच्चों के लिए बहुत काफ़ी, तो दूसरी जगह जहाँ भी पैसे वाला है जी, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी एडमिशन दो, कितना भी ये दो, अब हम लोग बाहर जाएंगे, हमारा फैमिली रहता है, लेडीज़ रहता है, उन लोग को बहुत पैसा ज्यादा बनने के लिए नहीं होता है। तो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, हमारे को हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कम फीस का एक व्यवस्था करके सेक्चर होना। तो ये थे हमारे साथ शबीर भाई, जिन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जब वो बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर के तो उन्हें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।